हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बनाते हैं, वो भी एक हेल्दी तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है, कुछ मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं, इसमें कैरेट, कॉर्न एंड मटर है, और अनियन लिया है, ग्रीन चिली लिया है, और रोस्टेड पीनट लिया है जिसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बड़े बाउल में अपना बारीक चॉप्ड ओनियन, ग्रीन चिली, कैरेट, मटर, कॉर्न, रोस्टेड ग्राइंड पीनट एंड कोरिएंडर लीव्स को ऐड करेंगे। एंड गाइस, आप इन पकौड़ों में आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब यहाँ देखिए, सारे वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद अब चलिए कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी एंड 1/2 टीस्पून अजवाइन डाला है, और सारे मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सो यहाँ देखिए, वेजिटेबल्स एंड मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एट लास्ट अपना बेसन डालते हैं। तो बेसन आप उतना ही डालिएगा जितना रिक्वायर्ड लगे, और ताकि हमारा सारे वेजिटेबल्स का भी फ्लेवर आना चाहिए पकौड़े में। तो और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके इसका देखिए हम एक डोर रेडी कर लिए हैं पकौड़े का। एंड डोर रेडी होने के बाद एट लास्ट हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए पकोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आज के पकोड़े हम हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए अपम मेकर मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला है, एंड वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम अपना पकोड़े का बैटर इसमें ऐड करेंगे। एंड गाइस, इन वेजिटेबल पकोड़े का जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं करिएगा, थोड़े गाढ़े गाढ़े रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, सारे वेजिटेबल्स का भी फ्लेवर आएगा। सो देखिए, सारे खानों में बैटर को डालने के बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इसको दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन फ्राई करेंगे। एंड गाइस, आज की रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के हमारे पकोड़े कितने सुंदर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। सो यहाँ देखिए, हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब चलिए इसको बाउल में निकाल लेते हैं। सो ऐसे एक एक करके सारे पकोड़े हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। सो यहाँ देखिए, हमारे गर्मा गर्म वेजिटेबल पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी अपने घर पे बनाइए, ट्राई करिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे सबको। एंड ये बहुत हेल्दी तरीका है, आप अपम मेकर में ज़रूर बनाइएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और कम ऑयल में बहुत अच्छा हमारा पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप भी बनाइए, ट्राई करिए, मुझे बताइए। एंड गाइज, एट लास्ट इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।